हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि सब्सक्राइबर को हाइड कैसे करें। तो बहुत सारे न्यू यूट्यूबर होता है जिसके पास सब्सक्राइबर कम होता है, वो चाहते हैं कि हमारा सब्सक्राइबर हाइड कैसे हो जाए। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, उसके पास मिलियन सब्सक्राइबर होता है और उसी को पब्लिक सब्सक्राइब करते हैं ताकि उसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर होता है, और हम लोगों जैसे छोटे यूजर्स के पास कम सब्सक्राइबर होता है ना, तो पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करता है। तो इसलिए हम इसको हाइड कर देंगे तो हमें सब्सक्राइब आने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हाइड करेंगे सब्सक्राइबर को। तो पहले हम यूट्यूब में जाके दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ तो देखो मेरा चैनल है यहाँ पे, इसको क्लिक करके मैं अपने चैनल का लोगो दिखा देता हूँ कैसा। ये देखो दोस्तों, हमारे चैनल का सब्सक्राइबर दिख रहा है, 145 सब्सक्राइबर है। अब उसी को हाइड करने वाले ताकि पब्लिक को दिखाई ना दे। तो मैं सीधे सीधे स्लाइड करूँगा इसको और गूगल क्रोम ओपन करूँगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद ऊपर तीन लाइन दिख रहा है बिंदु का, उस पर क्लिक करेंगे। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, न्यू आइकॉन टैब तीसरे नंबर पे है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च करेंगे YouTube.com, YouTube.com सर्च करेंगे दोस्तों। YouTube.com सर्च करने के बाद हमारा ओपन होएगा पेज। ये देखो दोस्तों, ऐसा इंटरफेस आएगा। अब इसको हमने क्या करना है, गूगल क्रोम में YouTube ऑन करना है, इसको लॉगिन करना है अपने चैनल को। तो जैसे लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे, तो हमारे जैसे कि ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। तो इसमें हम अपना यूट्यूब चैनल का ईमेल आईडी देंगे, जैसे मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ इसमें। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद इसमें पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद देखो दोस्तों, इसको नेक्स्ट करने के बाद आगे हमारा चैनल का लोगो इसमें खुलेगा। अब ये देखो दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे चैनल पे। अब योर चैनल पे क्लिक करेंगे। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद फिर से हम सर्च वाले के साइड में तीन बिंदु दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन निकल रहे हैं, तो नीचे में दिखाई दे रहा है आपको कि डेस्कटॉप वर्जन, तो हम डेस्कटॉप वर्जन को क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप वर्जन को क्लिक करने के बाद हमारा जो यूट्यूब चैनल का वर्जन न्यू वर्जन में खुलेगा। अब न्यू वर्जन में खुलने के बाद ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में दिखाई दे रहा होगा आपको कस्टम चैनल और यूट्यूब स्टूडियो, तो हमें यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है। यूट्यूब स्टूडियो को ओपन जैसे ही करेंगे तो हमारा YT स्टूडियो का ऐप लॉगिन होएगा। ये देखो दोस्तों, अब ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसको जूम करेंगे। जूम करने के बाद अब नीचे देखो, यहाँ पे सेटिंग का लोगो दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो, जनरल दिखा रहा है और चैनल दिखा रहा है, तो हम चैनल पे क्लिक करेंगे। अब चैनल पे क्लिक करने के बाद इसको स्लाइड करेंगे। अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन और एडवांस सेटिंग दिख रहा है, तो एडवांस सेटिंग को क्लिक करेंगे और ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे दोस्तों। ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट लिखा रहा है, तो इस पर देखो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबर टू माई चैनल, तो इस पर देखो दोस्तों, इसको अनटिक कर देना है। अब अनटिक करके हमारे चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो हाइड हो गया। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे नीचे में सेव बटन दिख रहा है, अब इसको क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चैनल का सब्सक्राइबर हाइड हो गया। तो देखो दोस्तों, हाइड हो गया। अब इसको हम ऐसे स्लाइड करेंगे, अब ये इसको पीछे करेंगे। अब मैं आपको यूट्यूब में जाके दिखा देता हूँ, अब मैं आपको YouTube में जाके दिखा देता हूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइबर हाइड हुआ या नहीं हुआ। ये देखो दोस्तों, अब हमारा ऐसा इंटरफेस दिख रहा है, अब पब्लिक को दिखाई देगा कि इसके पास सब्सक्राइबर ज़्यादा है। अब ये देखो, यहाँ पे हाइड हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो का जो लाइक और डिसलाइक है उसको हाइड कैसे करें, तो आई बटन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, और इस अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुँचे।